हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, अबाउट डिवाइस पे जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, इस वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना प्राइवेसी नोटिस चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे और इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जॉइन यूज़ एक्सप्लेन प्रोग्राम, तो इसे भी ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।